सोशल मीडिया से लेकर सामान्य जनजीवन तक आए दिन आप शिवलिंग के नाम पर अश्लील चुटकुलेबाजी देखते होंगे। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का मजाक उड़ाया जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स जैसे हिंदू फोबिक अखबार शिवलिंग पर मीम शेयर करते हैं। बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री सायोनी घोष ने कुछ समय पहले यह चित्र सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। चित्र में एक महिला शिवलिंग पर कॉन्डोम चढ़ा रही है। लेकिन क्या वास्तव में शिवलिंग का वही अर्थ है जिसे लेकर यह हिंदू विरोधी प्रहसन आए दिन होता रहता है? हो सकता है आप भी ऐसा ही सोचते हों। लंबे समय से ये बात लोगों के मन में बिठाई जाती रही है कि शिवलिंग पुरुष और स्त्री जननांग का प्रतीक है। कई हिंदू भी इसे सच मानने लगे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिवलिंग जननेन्द्रिय का प्रतीक नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। भारतीय संस्कृति और धर्म में शिवलिंग को संसार की उत्पत्ति का आधार माना गया है। हिंदी में लिंग का अर्थ जननेन्द्रिय होता है। इसी आधार पर स्त्रीलिंग और पुलिंग जैसे शब्द बने हैं। संस्कृत में जननेन्द्रिय को शिश्न कहा जाता है, लिंग नहीं। लिंग का अर्थ होता है ज्योतिपुंज या प्रतीक। शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक भी है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, यानी शिव का प्रतीक है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड के जिस रूप की कल्पना करते हैं उसका आकार भी वैसा ही है जैसा शिवलिंग। कैलाश पर्वत को भी एक विशाल शिवलिंग कहा जाता है। ब्रह्मांड में दो ही वस्तुएं हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा से। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि शिवलिंग की गलत व्याख्या कहां से शुरू हुई। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने वेदों समेत हिंदुओं के कई धर्म ग्रंथों का अनुवाद कराया। इनमें लिंग की जो व्याख्या दी गई थी वो अंग्रेजों के सीमित ज्ञान और समझ से परे थी। तब ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिक खोज भी इस स्तर तक नहीं पहुंची थी कि वो समझ पाते कि शिवलिंग का अर्थ क्या है। अंग्रेजों ने कहना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग लिंग पूजक होते हैं। लिंग की तरह ही योनि शब्द के अर्थ का भी अनर्थ किया जा चुका है। स्त्री और पुरुष दोनों को मिलाकर मनुष्य योनि कहते हैं। अकेले स्त्री या पुरुष के लिए योनि शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता। लेकिन वैदिक ग्रंथों का अनुवाद करने बैठे विधर्मियों और वामपंथियों ने इन शब्दों में गुप्तांगों की कल्पना कर ली और झूठी कहानियां गढ़ ली। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेसी सरकारों ने इस झूठ का खंडन करने में कभी कोई रुचि नहीं दिखाई। स्कूली किताबों में भी यही पढ़ाया जाने लगा कि शिवलिंग पुरुष के लिंग और स्त्री की योनि का प्रतीक है। धीरे धीरे लोगों ने इस झूठ को सच मानना भी शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक विज्ञान को ब्रह्मांड के बारे में पता चल रहा है, उनको भी समझ में आने लगा है कि हजारों वर्ष से हिंदुओं द्वारा पूजित शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है। शिवलिंग हो, स्वास्तिक हो या कोई अन्य हिंदू प्रतीक, ये सभी विधर्मियों और वामपंथियों के निशाने पर हैं। हम उनके फैलाए भ्रम में न फंसे, इसके लिए सत्य जानना आवश्यक है।